गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ लेसन नाइनटीन फॉरेस्ट द ग्रीन लाइफ लाइन स्टूडेंट इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है एंड uh, क्या इंपॉर्टेंस होती है फॉरेस्ट की ठीक है इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है एंड अंडरस्टैंड द थ्रेड्स टू फॉरेस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन पोल्यूशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स टॉपिक इज वट इज़ अ फॉरेस्ट जंगल होते क्या हैं कविता लिज इन अग सिटी शी हैज़ नॉट सीन अ फॉरेस्ट सो फार कहते कविता जो है एक बड़े शहर में रहती है उस उसने कभी जंगल देखे ही नहीं है शी वट वॉट अ फॉरेस्ट इज और वो हैरान होती है कि जंगल होते क्या हैं सो अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया डेंसली कवर्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स फॉरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है अनकल्टिवेटेड मतलब जहाँ पे कुछ भी उगाया नहीं जाता लेकिन फिर भी वो जो है डेंसली कवर्ड होता है बहुत सारे टाइप्स के ट्री से श्रब से और हर्ब से इट आल्सो हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ टॉल ग्रासेस इसके साथ साथ जंगल में बहुत सारी लंबी लंबी घास केन क्रीपर्स क्लाइंबर्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं ठीक है ये सब क्रीपर क्लाइंबर्स क्या होते हैं वो जो Uh, जो नीचे नीचे पेड़ उगते हैं या फिर जो है दूसरे पेड़ों के ऊपर जो है वेलें होती हैं ठीक है या दीज आर ऑल दीज एंड यू कैन फाइंड द ट्रीज ऑफ साग टीक शीशम नीम पीपल बनियन फिक प्लाश कचनार आंवला बैम्बू एक्सेट्रा इन द फॉरेस्ट ये सब टाइप के जितने भी यहाँ पे नेम दिए गए हैं इन सब टाइप के ट्रीज जो है आपको जंगल को जंगल में देखने को मिलते हैं ठीक है एट सम प्लेसेस कुछ जगहों में इन अ फॉरेस्ट द ट्रीज आर सो थिक दैट सनलाइट बियरली रिचिज द फॉरेस्ट फ्लोर कुछ जगहों पर पे तो uh, पेड़ इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो कत मुश्किल से ही जो है फॉरेस्ट के फ्लोर तक पहुँच पाती है फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड होम टू डिफरेंट एनिमल्स बर्ड रेप्टाइल इंसेक्ट वॉम्स एंड माइक्रोब इसके साथ साथ जो जंगल है वो बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट वम्स और माइक्रोब्स का घर भी जो है प्रोवाइड करते हैं ठीक है सम लिव इन द ऑन द फ्लोर अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लोर पे रहते हैं कुछ जो है पेड़ की टहनियों पे रहते हैं सम वॉक ऑन द ग्राउंड कुछ ग्राउंड पे चलते हैं एंड सम बरो कुछ बिल बना के रहते हैं तो कुछ जो है वो उड़ते हैं ठीक है तो अ लार्ज वैरायटी जो है वो एनिमल्स की प्ला प्लांट्स की जो है वो यहाँ पे जंगल में देखने को मिलती है और आपको यहाँ पे एक फॉरेस्ट का व्यू भी स्टूडेंट्स दिखा रखा है नेक्स्ट है रीजन्स इन अ फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट के अंदर रीजन्स कैसे होते हैं द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हैव द क्राउन्स ऑफ द लीज एंड ब्रांचेस जो पेड़ पाए जाते हैं जंगल में स्टूडेंट uh, उनके जो है बहुत सारे क्राउन क्राउन कह लो ये देखो जैसे यहाँ पे ये क्राउन है ठीक है राउंड शेप का ऐसे क्राउन होते हैं पेड़ों के ऊपर लीव्स के या ब्रांचेस के एंड ये जो क्राउन्स है आर ऑफ डिफरेंट टाइप साइज एंड क्रिएट सेवरल हॉरीजेंटल लेयर्स इन द फॉरेस्ट और ये जो स्टूडेंट इनके क्राउन्स होते हैं ट्रीज़ के वो डिफरेंट टाइप के होते हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों के डिफरेंट डिफरेंट क्राउन्स होते हैं साइज भी अलग होता है और बहुत सारी हॉरीजेंटल लेयर्स होती हैं फॉरेस्ट के अंदर एंड दीज लेयर्स आर डिवाइडेड इन टू द डिफरेंट टाइप्स और ये जो लेयर्स होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में फर्दर डिवाइड होती हैं अब स्टूडेंट कैनोपी क्या होता है कैनोपी दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्राउन ऑफ द लीव्स लीव्स की पेड़ों की सबसे ऊपर से जो आपको देखने को लेयर मिलती है लीव्स की या ब्रांचेज की बहुत बड़े बड़े पेड़ों की दैट इज द केनोपी ये केनोपी है देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लीव्स की ट्रीज की ठीक है एंड वेन व्यूट फ्रॉम द अब अगर आप ऊपर से देखो जैसे ये व्यू दिखाया गया ये ऊपर से पिकली हुई है जो जो कैनोपी है दैट अपेयर एज अ ग्रीन कवर तो ये कैसी दिखती है ग्रीन कवर की तरह देखती है जो कि एक रूफ छत की तरह काम करती है या फिर अम्बरेला की तरह काम करती है ओवर द फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ठीक है नेक्स्ट है अंडर ग्रोथ द ट्रीज दैट आर नॉट एज एज द कैनोपी ट्रीज अब वो पेड़ जो उतने लंबे नहीं हो पाते जितने की कैनोपी ट्रीज दैट क्रिएट डिफरेंट लेयर्स वो अलग से लेयर हमें नज़र आती हैं और टायर्स अंडर द कैनोपी कैनोपी के अंदर हमें जो है और मतलब ये डिफरेंट लेयर नज़र आती है उनकी दे फॉर्म अंडर स्टोरीज और ये क्या करते हैं उनके अंदर मतलब अंडर स्टोरीज का काम करते हैं ठीक है एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ श्रब्स एंड टॉल ट्रीज और इसमें क्या क्या आते हैं श्रब्स आते हैं और टॉल ग्रासीज आती है एंड द लोएस्ट लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द हर्ब और जो इनकी सबसे लोएस्ट लेयर है वो कौन फॉर्म करता है हर्ब्स हर्ब्स आपको पता है छोटे छोटे पौधे होते हैं ठीक है तो जो अंडर ग्रोथ में वो कौन से आते हैं श्रब्स टॉल ग्रासेस और हर्ब्स ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है वो फॉर्म करते हैं नेक्स्ट है फॉरेस्ट का फ्लोर इट इज़ अ ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट फ्लोर का मतलब क्या है जंगल का जो है ग्राउंड सरफेस इट इज फॉर्मड ऑफ द सॉइल एंड रिमेंस कवर्ड विद द डेड एंड टिकेइंग लीव्स फ्रूट्स सीड्स ट्विक्स स्मॉल हर्ब्स एंड फंगी एक्सेट्रा और ये जो है किससे जो फॉरेस्ट का फ्लोर है ये सॉयल से बना होता है और ये किसके साथ मोस्टली कवर रहता है डेट एंड टिकेंग सड़े गले पत्तों के साथ फ्रूट्स के साथ सीड्स के साथ टहनियों के साथ स्मॉल हर्ब्स छोटे पौधे फंगी इन सब के साथ ढका रहता है देअर फोर्स जो फॉरेस्ट का फ्लोर है दैट अपीयर्स डार्क एंड रिच इन द न्यूट्रिय इसलिए अब इन सब चीज़ों से ढका रहेगा तो ऑब्वियस है जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा न्यूट्रियट से भरा होगा और वो डार्क कलर का होगा जैसे यहाँ पे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे सड़े गले पत्ते पड़े हैं ठीक है और ये डार्क जो है नज़र आता है ठीक है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ द प्लाट्स इन द फॉरेस्ट अब किस किस टाइप के प्लांट्स जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सो अ फॉरेस्ट हैज़ एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट फॉरेस्ट के अंदर एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स होते हैं ठीक है आप हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ही होते क्या हैं सबसे पहले एनुअल्स द प्लाट्स विद लाइफ स्पैन ऑफ वन ईयर आर कॉल्ड एनुअल्स एनअल्स जो वो प्लांट्स जो जिनका लाइफ कितनी होती है वन ईयर की होती है उनको एनुल्स बोलते हैं और ये कौन से होते हैं हर्ब्स जैसे कि हर्ब्स हो गए और इनके स्टेम्स जो इनका तना होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है नेक्स्ट है बाइनील्स बाइनियल्स कौन से टिव द प्लान्ट लाइफ स्पैन ऑफ द टू ईयर्स जो दो साल जिनकी लाइफ uh, स्पैन होता है जिनकी जिंदगी होती है वो जो प्लांट्स होते हैं वो बाइनियल्स कहलाते हैं और द प्लांट डेट्स सरवाइव फॉर सेवरल ईयरस आर कॉल्ड द पेरिनील्स अब वो प्लांट जो बहुत ज़्यादा साल तक जीवित रहते हैं ठीक है, है? मतलब उगे रहते हैं दैट आर पेरिनियल्स और इसमें कौन से आते हैं श्रब्स और ट्रीज ये सालों मतलब सालों साल जो है वो खड़े रहते हैं ठीक है आई होप यू अंडरस्टेंड अबाउट एनुमल्स वाइनियल्स एंड पेरिनियल्स नेक्स्ट है फॉरेस्ट इन द इंडिया अब कितना जो है इंडिया में पार्ट जो है वो फॉरेस्ट का है सो फॉरेस्ट कवर अबाउट ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव फोर परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इंड पूरे इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें से ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव फोर परसेंट जो है वो क्या है फॉरेस्ट कवर करते हैं एंड दे वेरी फ्रॉम द एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू द ड्राई एल्पाइंस और जो है ये जो है एरिया जो है ये वेरी करता है uh, सदाबहार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब अब फॉरेस्ट फ्री जो है ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं तो ये वेरी करता है एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ड्राई एल्पाइंस ठीक है इन बिटवीन उसके बाद है फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट अब फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर और उनका हैबिटेट सो so, आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो है दैट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर जो हैं वो जंगलों के अंदर रहते हैं जैसे बोर्ड्स हो गए बीसंस जैकल एलिफेंट लॉइन टाइगर ये सब कहाँ रहते हैं डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट में वेयर फॉरेस्ट इज़ थिकर एंड अनडिस्टर्ब जहाँ पे बहुत घना जंगल हो और कोई भी जो मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो ये वहाँ पे पाए जाते हैं एंड दे लिव ऑन द ग्राउंड और जितने भी यहाँ पे आपको एनिमल्स बताए गए हैं सब ग्राउंड के ऊपर रहते हैं स्नेक्स इधर रिंगल ऑन द ग्राउंड और बरो इन द दॉयल अब जो स्नेक्स है वो क्या करते हैं या तो ग्राउंड पे रेंगते रहते हैं या फिर मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर है इज़ ऑक्यूपाइड बाय स्पाइडर्स बीटल्स एंड ग्रब्स और जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो स्पाइडर से बीटल से ग्रब्स से जो है वो ढका रहता है मतलब ये वहाँ पे फ्लोर पे ही पाए जाते हैं नेक्स्ट टाइम मॉन्कीस बैट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द बर्ड्स ये कहाँ रहते हैं पेड़ों के ऊपर या फिर उनकी टहनियों पर ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट अब पेड़ों की महत्वता क्या है फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट आपको पता है एक प्राकृतिक संसाधन है दे आर इसेंशियल फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द मैन और ये बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरमेंट जो है वो प्रिजर्व रहे ठीक है एंड जो है बहुत सारे एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें कि हम आदमी भी आते हैं अब फॉरेस्ट करते क्या क्या है फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो क्या करते हैं एयर को प्योरीफाई करते हैं एंड प्रोवाइड क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग टू द ऑल द ह्यूमन बींग्स और शुद्ध हवा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा जो है प्रोवाइड करते हैं ब्रीथिंग के लिए हम इंसानों को ठीक है ऑल लिविंग बींग्स को नेक्स्ट है फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट फॉरेस्ट की वजह से ही जो क्लाइमेट है वो रेगुलेटेड रहते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर क्योंकि फॉरेस्ट तापमान को कम रखते हैं और बारिश लाने में भी हेल्पफुल रहते हैं नेक्स्ट है ट्री बाइंड्स द सॉइल आपको पता है कि ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को क्या करती है जोड़े रखती है बाइंड करके रखती है और इसी से जो क्या है सॉइल इरोजन भी कंट्रोल्ड रहता है ठीक है अंडर कंट्रोल रहता है नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्लड बाय होल्डिंग द वाटर एंड नॉट अलाउंग इट्स फ्री फ्लो जो फॉरेस्ट है वो कंट्रोल करते हैं और फ्लड को आने से रोकते हैं बाढ़ आने से रोकते हैं बाय होल्डिंग द वाटर पानी को रोक के एंड नॉट अलाइंग इट्स फ्री फ्लो और क्योंकि पेड़ होंगे तो पानी का बहाव उतना तेज़ नहीं होगा जिसकी वजह से क्या है जो बाढ़ है वो उनके आने उनको जो है आने के चांसेस क्या रहते हैं कम रहते हैं ठीक है ट्री मेक्स द तो सॉइल फर्टाइल बाई रिसाइकलिंग द न्यूट्रेंट ट्री की वजह से ही जो है सॉइल फर्टाइल होती है क्योंकि जो है स्किन की वजह से ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो बार बार रिसाइकल होते रहते हैं फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन फॉरेस्ट की वजह से ही पॉल्यूशन कम होता है uh, कम करने में सहायक होते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड्स एनिमल्स विद अ प्लेस टू लिव जो फॉरेस्ट है वो जानवरों को रहने के लिए क्या देते हैं जगह देते हैं उनको आश्रय देते हैं शेल्टर फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स फूड वुड रबर गम रेजिन नॉन एडिबल ऑयल्स हनी बीस वैक्सलैक बेम्बूज फ्यूल एक्सेट्रा ये सब चीजें जो है वो हमें कौन देते हैं जंगल से ही मिलती है सम फॉरेस्ट है अब कुछ जंगल ऐसे हैं जो रिक्रिएशनल पार्क में बदल आ, मतलब डेवलप हो गए हैं वेयर पीपल इंजॉय कैंपिंग एंड ट्रैकिंग जहाँ पे लोग जो है कैंपिंग करना या फिर ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं सम फॉरेस्ट हैव बीन मेड वाइल्ड लाइफ रिज़र्व्स और कुछ फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जो है बन गई हैं जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को क्या सुरक्षित रखा जाता है सम एशियन ट्राइब्स लिव इन फॉरेस्ट इसके अलावा कुछ आपने जैसे कबीले वाले सुने होंगे ठीक है कुछ ह्यूमन की ऐसी जातियाँ भी है जो जंगलों में रहती हैं द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स दैम एवरीथिंग दे नीड और जो फॉरेस्ट है उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो भी उन्हें चाहिए जैसे कि खाना शेल्टर वाटर मेडिसिन सब कुछ उनको जंगलों से मिल जाता है एंड प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ स्टडी इनकम फॉर द ट्राइबल्स और जो भी उन, उनको फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो उनके जो है इनकम का सोर्स भी रहता है ठीक है सो स्टूडेंट्स यू अब यहाँ पे एक और जो है आपकी नॉलेज वाली बात लिखी हुई है दैट देयर आर 104 नेशनल पार्क्स एंड 543 वाइल्ड सेंचुरीज़ इन द इंडिया इंडिया के अंदर लगभग 104 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं एंड 543 फोर्टी थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो है ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ तक आपने जो है इम्पोर्टेंस वॉट आर फॉरेस्ट जो है एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स ये सब आप जो है रीड करोगे एंड ट्राई टू लर्न दिस इम्पोर्टेंट Facts, okay students.